शिकायत कौन करे। दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपनों से हार जाता है। हर किसी से लड़ने की क्षमता रखता है लेकिन जब अपनों की बारी आती है तो अपनों से हार जाता है। इन आँखों ने जो कुछ जब कर ना सकी हम
व्यक्ति की महाराज ये तीन चीज पीछा छोड़ देंगे, एक कर्ज, दूसरा फर्ज और तीसरी मर्ज, तो आदमी एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। फर्ज निभाते निभाते हमारे अपने ही छूट जाते हैं, हम रह जाते हैं कि हमारा फर्ज बनता है। फर्ज निभाते निभाते उम्र निकल जाती है, क्योंकि लोग दोष देंगे तुम्हारा फर्ज बनता है। और दूसरा कर्ज, जो व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाए उसे बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और तीसरी मर्ज, किसी को कोई रोग हो जाए, इलाज कराते कराते बर्बाद हो जाता है, खुद नहीं खाता, बच्चों को नहीं खिलाता, लेकिन इलाज में लगता है। कर्ज फर्ज मर्ज से जो मुक्त हो गया वो कुछ ना कुछ बन जाता है। हम तो फर्ज निभाते निभाते रिश्तों को रिश्तों में देखना चाहते हैं, फिर हमारे अपने ही हमसे छूट जाते हैं फर्ज के निभाते निभाते। दुनिया को समझ पाना इतना आसान नहीं है। जो लोग किसी के विश्वास को तोड़ते हैं वो लोग समझते हैं कि हम शायद बहुत चालाक हैं, पर ये सोचो कि उसने विश्वास कितना किया था मुझ पर। चाहे वो परिवार का कोई भी सदस्य हो, कभी किसी के विश्वास को मत तोड़ो। जो भी कहना है सामने कहो, पर कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करो। जो लोग मुंह पर कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, वो लोग अपनी बर्बादी करते हैं, साथ में दूसरों की भी बर्बादी करते हैं। इसलिए यदि आपकी ये आदत बन गई हो तो आदत को संभालना, क्योंकि ऐसी आदतों से न जाने कितने घर बर्बाद होते हैं। हर व्यक्ति का जीवन रोने से शुरू हुआ है, पर न जाने लोग रोने से क्यों डरते हैं। शुभ मुहूर्त के पीछे पड़े रहते हैं, सुख के पीछे पड़े रहते हैं। जब जन्म हुआ था तब शुभ मुहूर्त के साथ हुआ था क्या? और जब दुनिया को छोड़ के जाते हैं तब ना कोई तिथि ना कोई शुभ मुहूर्त देखता है, सब ऊपर वाले का बनाया हुआ है। मानते हैं सब कुछ देखो, सब कुछ देखो, परिवार भी देखो, धन दौलत भी कमाओ, सुख दुख दोनों आते हैं जीवन में, पर कभी रिश्तों को खराब मत करो, क्योंकि रिश्ते कभी पैसों से नहीं खरीदे जाते हैं, रिश्ते तो उस प्रेम से बनाए जाते हैं। जो रिश्ता एक बार टूट जाए आप पैसों से उस रिश्ते को वापस नहीं ला सकते। यदि वो आ भी जाएगा तो ठीक उसी प्रकार आएगा जिस तरह से धागा एक बार टूट जाए उसे जोड़ने में गांठ पड़ जाती है, उसी तरह से एक बार जो रिश्ता टूट जाए उसे दोबारा जोड़ने में गांठ पड़ जाएगी। रिश्तों की अहमियत समझो। कुछ देने के लिए किसी को दिल बड़ा होना चाहिए, हैसियत नहीं कि हम इस लायक नहीं उस लायक नहीं। प्रेम बनाए रखो,
क्योंकि बाड़ी में वो दम होती है, बिगड़े हुए काम भी बना देती है ये बाड़ी। पानी जब मर्यादा तोड़े महाराज, पानी जब मर्यादा तोड़े तो विनाश तय है, और यदि पानी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश तय है, कोई बचा नहीं सकता सर्वनाश होने से। तो पानी पर लगाम रखे, कुछ भी बोले तो सोच समझ करके। आज कंस ने जब अपनी बहन देवकी की पहली संतान को मार दिया, एक ही नहीं बल्कि प्रमाण ये मिलता है कि कंस ने अपनी बहन देवकी की 6 पुत्रों को मार दिया। सातवां गर्भ जब धारण किया देवकी ने, देवताओं ने आपस में विचार किया, यदि ये बालक जन्म लेकर के जाएगा कंस इसे भी नहीं छोड़ेगा, क्या करना चाहिए। सातवां गर्भ खंडित करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया। ये चर्चा फैला दी जेल खानों में कि सातवां गर्भ खंडित हो गया। कंस ये सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ कि मरना नहीं पड़ा, खुद ही मर गया, अच्छा हुआ। आठवें गर्भ की जब बारी आई, अब तो कंस बड़ा चिंतित हो रहा है। जहां पर दो दो पहरेदार लगते थे वहां चार चार पहरेदार लगा दिए। ताले पर ताले लगे हैं देवकी और वसुदेव के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं। ऐसी दशा जब मैया ने देखी तो रोने लगी, किस रिश्ते को अपना कहें। जो भाई हमारा हमें देख करके जीता था, और उसी ने आज हमें जेल खानों में बंद कर दिया, किस रिश्ते को अपना कहें, समझ में नहीं आता है। आज आठवें गर्भ की बारी है, मैया जेल खानों में बैठी रो रही है, बिलख रही है, प्रभु का ध्यान करने लगी है। प्रभु, 6 पुत्र तो हमारे मारे गए, हमारी इस बच्चे की तो रक्षा कीजिए। अंधेरे में बैठी है वो माँ, इधर विष्णु भगवान वही चक्र सुदर्शनधारी जेल खानों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। जिस अंधकार में मैया देवकी बैठी थी वो अंधकार ही नष्ट हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। उस प्रकाश को देख करके माँ ने जब नजर उठाई, प्रभु के दर्शन के हाथ जोड़ लिए, प्रभु ने धैर्य धारण कराया कि रोना नहीं। कहा है मैया, जब हम जन्म लेकर के आए तो आप हमें मथुरा की जेल खानों से गोकुल में भेज देना। मामा कंस तो क्या कोई हमें छू नहीं सकता, मारना तो बहुत बड़ी बात है। मैया रो करके कहने लगी, लाला हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं, जेल के फाटक बंद हैं, ताले पर ताले लगे हैं, कैसे भेज पाएंगे हम तुम्हें मथुरा से गोकुल में। भगवान ने फिर समझाया कि जब हम जन्म लेकर के आएंगे तुम्हारे हाथों से हथकड़ी, पैरों से बेड़ियां टूट जाएंगी, जेल के फाटक अपने आप खुल जाएंगे, और जो भी पहरेदार हैं सभी गहरी नींद में सो जाएंगे। माँ आप चिंता ना करो। इतना कहने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भादों का महीना है, सप्तमी की रात है,
आज उस भादों के महीने में रिमझिम बारिश हो रही है, चारों ओर से अंधेरा छाया हुआ है। मथुरा की जेल खानों में ठीक समय रात्रि के 12 बजे भगवान योगीराज कृष्ण अवतार लेकर के आते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। और झांकी तैयार हो गई हो तो लेकर के आइए भैया। आज मैया ने रोते रोते वसुदेव जी द्वारा कृष्ण को गोकुल में भिजवाया है।